बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि आयुर्वेद में ठंडा पानी पीना चाहिए कि गर्म पानी पीना चाहिए, दोनों पानी में से कौन सा बेहतर होता है। सिंपल सी आपको बात बताऊं, यदि आपको नॉर्मली पानी पीना है तो वो पानी पीना जो कि आपके इंटरनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो वो पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी, जितना हमारा ब्लड का तापमान होता है लगभग उतने तापमान का जो पानी होता है वो आपके लिए बेटर होता है। यदि आपको पित्तज व्याधियाँ हो रखी हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ऐसी कंडीशन में ठंडा पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठंडा, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा पानी जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है। गर्म पानी आपको तब पीना चाहिए जब आपको अजीर्ण की कंडीशन है, जब पेट के अंदर वायु का गुबार भूटा हुआ है, जब पेट के अंदर बिल्कुल खाना पच नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में जो हल्का सा गर्म पानी होता है, हल्का सा गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी जो होता है उसका सेवन करना चाहिए। बर्फ़ का जो पानी होता है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जो मेल्टिंग बर्फ होती है, उस वाले पानी का सेवन आयुर्वेद में कभी नहीं करने को बोला गया है। वो बहुत 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 ज़्यादा नुकसान करता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसका एक्सटर्नल प्रयोग ज़रूर किया जाता है, जो ठंडे पानी होता है, जो बर्फ़ का ठंडा पानी होता है ना, उसमें हाथ डालने से, उसमें थोड़ा सा पैर डुबोकर रखने से आपके शरीर के अंदर का बढ़ा हुआ जो पित्त है वो शांत होता है और आपको जो गर्मी लग रही होती है वो भी शांत होती है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ऐसी कंडीशन में जो बर्फ़ का पानी होता है उसको अपने माथे के ऊपर लगाने से, उसकी पट्टी को भिगो करके आँखों के ऊपर लगने से, उससे भी टेंशन शांत होती है, थोड़ा सा बॉडी की जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है ना, उबलता हुआ जिसमें से भाप निकल रही है, ऐसा पानी पीना आपके शरीर के अंदर दाह उत्पन्न करता है, शरीर के अंदर विदाह उत्पन्न करता है, तो उस पानी का भी आयुर्वेद में निर्देश नहीं किया गया है। यानी कि कंक्लूजन ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसका सेवन करिए, यदि आपको पित्तज व्याधि है तो थोड़े से ठंडे पानी का सेवन करिए, यदि आपको वातज व्याधि है, यदि आपको अजीर्ण हो रखा है तो थोड़े से गर्म पानी का सेवन करिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, दोनों ही आपको नुकसान पहुँचाएंगे। चलो, बाय बाय।